देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। भारत और चीन सैनिकों के बीच पिछले सप्ताह लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसा में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद चीन के खिलाफ देश भर के लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। जगह जगह लोग चीन के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। इस मामले में बार बार LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा का जिक्र किया गया है। बहुत कम लोगों को ही इस रेखा के बारे में जानकारी है। आज हम आपको इसी रेखा के बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों LAC रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई है। इसी के साथ ही आपको बताएंगे LAC और LOC में अंतर क्या है। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, 4057 किलोमीटर की ये लंबी रेखा अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक फैली है। यह रेखा 3 सेक्टरों में बंटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर लद्दाख और कश्मीर तक है, मध्य सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में है और पूर्वी सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। LAC मोटे तौर पर मैकमोहन रेखा पर आधारित है। सन 1914 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन और तिब्बत के प्रतिनिधि के बीच शिमला समझौते के तहत दोनों देशों को विभाजित करने वाली रेखा का नाम मैकमोहन पड़ा। LAC के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक मोटी नींव से खींची गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह किस पहाड़ या नदी नाले से होकर जाती है। इसी वजह से भारत और चीन के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। LAC को लेकर दोनों देशों की अपनी अवधारणाएं हैं, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के दावे को नहीं मानती हैं। अपनी अवधारणाओं के मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक गश्ती करती रहती है। गश्ती के दौरान दोनों देशों के सैनिक अक्सर एक दूसरे की अवधारणा वाले इलाकों में चले जाते हैं। अक्सर गश्ती के दौरान दोनों देशों के सैनिक आमने सामने भी हो जाते हैं और टोकने के बाद अपने इलाके में वापस लौटकर जाते हैं। गश्ती के दौरान एक दूसरे के इलाकों में गलती से जाने के बहाने चीनी सैनिकों की हाल में ही घुसपैठ काफ़ी बढ़ गई थी। LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल और भारत शासित कश्मीर और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर के बीच में बनी सीमा रेखा है, जिसे पहले सीज फायर लाइन भी कहा जाता था, लेकिन 3 जुलाई सन 1972 को शिमला समझौते के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया गया। यह कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है, लेकिन इसका पालन इसी तरह से किया जाता है। यह एक और सीज फायर लाइन है जो चीन अधिकृत कश्मीर यानी अक्साई चीन और भारत को अलग करती है। इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LOC कहा जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू और कश्मीर राज्य को झेलम नदी घाटी से 2 हिस्सों में बांटती है। एक हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा जमाया है और एक हिस्सा भारत के पास है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम धर्म के नाम पर बनाया गया था, लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर चुके थे। पाकिस्तान इसे अब भी मानने को तैयार नहीं है और कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण इस पर अपना हक जताता है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित 740 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल में से 540 किलोमीटर पर बाड़ लगाई जा चुकी है और इनमें बिजली का करंट दौड़ती रहती है। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।